आज के क्वेश्चन है, भारत ने बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? आपके ऑप्शन है 26, 28, 22, 24। इसका आंसर रहने वाला है 22। आपको पता होगा इंडिया ने टोटल 22 गोल्ड मेडल जीते हैं और टोटल 61 मेडल जीते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन रहेगा, भारत की तरफ से मीराबाई चानू ने कितने किलोग्राम वजन में मेडल जीता है? आप लोगों के ऑप्शन रहेंगे 59, 49, 46, 53। इसका सही आंसर होने वाला है 49 किलोग्राम। 49 किलोग्राम में मीराबाई चानू ने मेडल जीता है और ये भारत की तरफ से पहले खिलाड़ी थी जिन्होंने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल दिलाया था। थर्ड क्वेश्चन है, भारत की तरफ से समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, बजरंग पुनिया, शरद कमल, निखत जरीन और भावनाबेन पटेल, मनदीप सिंह। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, भारत की तरफ से समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो आप लोग क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि इसमें अगर आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन में आंसर लगाएंगे तो आप लोग इसका आंसर मनप्रीत सिंह लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। इसका सही आंसर होने वाला है शरद कमल और निखत जरीन। इसमें शरद कमल और निखत जरीन ने समापन समारोह में ध्वजवाहक, समापन समारोह जो हुआ था उसमें ध्वजवाहक शरद कमल और निखत जरीन थे, जबकि जो ओपनिंग था उसमें मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु इसके ध्वजवाहक थे। जब ओपनिंग हुआ था ना, तो ओपनिंग ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। तो आप लोग इस पर थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान देना, और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।